नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलोपेसिया इराटा के बारे में कि एलोपेसिया इराटा है, ये क्या होता है, ये क्यों हो जाता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इसके बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं, वो भी बिना कोई साइड इफेक्ट्स के। दोस्तों, लास्ट के अंदर मैं आपको इसके एक जो है सक्सेस स्टोरी जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा, पिक्स जो कि हमारी क्लिनिक में पेशेंट ठीक हुए उनका मैं आपके साथ में मतलब केस शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम समझने की कोशिश करें कि एलोपेसिया इराटा क्या है, तो देखिए एलोपेसिया इराटा आप जानते हैं कि बाल गिरने की एक बीमारी है और ये बाल जो है रूटीन का गंजापन नहीं है। दोस्तों, एलोपेसिया इराटा में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक पैटर्न बनता है और उस पैटर्न में क्या होता है, इसको हम पेची हेयर लॉस कहते हैं, यानी आपके जो बाल गिरते हैं वो पर्टिकुलर पेचेस में गिरने लगते हैं, आप कह सकते हो स्पोर्ट्स में गिरने लगते हैं, जो सिक्के होते हैं हमारे कॉइन होते हैं उस तरह के राउंड राउंड शेप आकार में बाल गिरने आपको लगते हैं और जहां से बाल गिरते हैं वहां से आपकी स्किन जो है बिल्कुल एकदम चिकनी निकल जाती है, ऐसे लगता है कि यहाँ बाल कभी थे ही नहीं है, वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे, इतनी आपकी स्किन वहां से मतलब चिकनी निकल जाती है। और अक्सर दोस्तों देखने को मिलता है कि जहां से आपको हेयर लॉस हो गया, जहां से बाल गिर गए, अक्सर वहां पे कोई तरह की खुजली है, इचिंग है, बर्निंग है, इस तरह के आपको सेंसेशन नहीं देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये कहां पर होता है, तो देखिए एलोपेसिया इराटा जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो आपके स्कैल्प यानी सिर में देखने को मिलता है। आपके सिर में आपको देखने को मिलेगा कि शुरू में कोई एक पैच बना, उसके बाद में कोई दूसरा पैच बना, इस तरह से अक्सर जो है ज्यादातर केसेस के अंदर इसकी स्टार्टिंग और जो मैक्सिमम पेशेंट आते हैं वो आपके सिर से रिलेटेड ही आते हैं। उसके बाद दोस्तों एलोपेसिया इराटा आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स पे भी हो सकता है, जैसे आपकी आईब्रोज यानी आपकी जो भौहें हैं यहां से भी बाल गिर सकते हैं, आपके प्यूबिक हेयर्स भी गिर सकते हैं यानी जो जन्ना के पास के बाल है वहां से भी गिर सकते हैं, पुरुषों के अंदर उनकी दाढ़ी या मूंछ से भी ये बाल गिर सकते हैं। तो आपने समझा कि एलोपेसिया इराटा आपकी बॉडी में कहीं से भी अगर बाल गिर रहे हैं और वो बाल पर्टिकुलरली पेचेस के अंदर यानी गोल गोल उसका सिक्के नुमा आकार में गिर रहे हैं, स्पॉट्स में गिर रहे हैं, तो ये एलोपेसिया इराटा ये पुरुषों और महिलाओं किसी को भी हो सकता है। और किस एज ग्रुप में होता है अगर मैं बात करूं, तो हालांकि किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन मैंने मेरी क्लिनिक पे जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस किया वो ये है कि अक्सर जो यंग एज ग्रुप के लोग होते हैं उनके अंदर इसके केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि एलोपेसिया इराटा में क्या होता है, तो देखिए जैसे हमने बात की कि स्पोर्ट्स में पेचेज में सिक्के नुमा जो आकार के अंदर आपके बाल गिरेंगे और उसके अंदर क्या होगा कि अक्सर जैसे हम बात करें स्कैल्प या सिर की, तो हो सकता है शुरू में कोई एक स्पॉट आपको देखने को मिले, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि एक स्पॉट और हो गया, फिर तीसरा हो गया, चौथा हो गया, इस तरह से धीरे धीरे स्पॉट जो है उनका नंबर्स बढ़ने लगते हैं। कई बार जो स्पॉट है खुद की उसकी साइज बढ़ने लगती है और कई बार धीरे धीरे एक स्पॉट दूसरे से मिलता है और कई बार आपके पूरे सिर में जो है आपको गंजापन देखने को मिल सकता है, मतलब पूरे सिर से हो सकता है कि आपके बाल गिर जाए, जिसको कि एलोपेसिया टोटलिस कहते हैं। तो दोस्तों, हमने समझा कि जो एलोपेसिया इराटा है अगर कुछ स्पोर्ट्स में हो रहा है तो स्कैल्प में, तो उसको एलोपेसिया इराटा कहते हैं या बॉडी में कहीं भी है तो, और इसी तरह से अगर आपका पूरा सिर ही जो है एलोपेसिया इराटा के इतने पेचेज हो गए कि धीरे धीरे पूरा सिर में ही गंजापन आपको देखने को मिल रहा है तो इसको एलोपेसिया टोटलिस कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह से अगर ये सिर के साथ में आपके धीरे धीरे पूरी बॉडी में आ जाए, आपके आईब्रोज गिर जाए, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी दाढ़ी मूंछें गिर सकती है, बॉडी के बाकी जो पार्ट से वहां से भी गिर सकते हैं, तो ये मेल फीमेल्स दोनों में अगर उनकी पूरी बॉडी में इसका असर देखने को मिले कि पूरे सिर से ये बाल गिरने लग जाए, तो उसको एलोपेसिया यूनिवर्सलिस कहते हैं। तो ये एलोपेसिया इराटा का मतलब जो है अगला आप कह सकते हो टाइप हो गया, थोड़ा सा उसका मतलब ज्यादा जो है अगर पूरी स्कैल्प कवर हो गया तो एलोपेसिया टोटलिस और अगर पूरी बॉडी कवर होगी तो एलोपेसिया यूनिवर्सलिस। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके कारण की, क्या कारण क्या होता है जिसके कारण की आपको ये इस तरह की बीमारी हो सकती है, तो देखिए इसका कोई एग्जैक्ट जो है मतलब कारण तो नहीं निकल के आया है, बट इसको एक ऑटो इम्यून डिजीज माना गया है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर जो शब्द है अगर आप इसको समझेंगे तो आप समझ जाएंगे ऑटो इम्यून डिजीज क्या है। ऑटो मतलब खुद और इम्यून, इम्यून यानी आपका इम्यून सिस्टम की यहां बात हो रही है, यानी आपका इम्यून सिस्टम खुद आपकी बॉडी पे अटैक कर देता है जिसके कारण कि उसकी बॉडी के अंदर अटैक किया आपके, तो उसके कारण आपकी बॉडी में कुछ ऐसे बदलाव आएंगे कि आपकी बॉडी में जगह जगह पेचेज से बाल गिरने लगेंगे। इम्यून सिस्टम आप जानते हैं कि बेसिकली उसका काम होता है आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देना, कभी भी कोई बीमारी है तो उसे आपको इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी जो है वो आपको प्रोटेक्शन देती है, बट या इम्यूनिटी ने आपकी बॉडी पे अटैक कर दिया, शरीर में कुछ इंटरनल ऐसे बदलाव आ गए जिसके कारण कि आपको इस तरह के पेचेज में हेयर लॉस होने लगता है, तो ये हमने इसका कारण समझा।
दोस्तों मैं आपके इस ट्रीटमेंट की बात करता हूं तो आप जानते हैं, अगर आपको ऑलरेडी एलोपेसिया एरेटा है तो आप जानते हैं कि ये छोटी सी बीमारी है, बट कई बार जो है ये आगे चल के काफी परेशान भी कर सकती है। एलोपेसिया टोटलिस या यूनिवर्सलिस में भी कन्वर्ट हो सकती है और अक्सर इसमें जो है लोग बहुत लंबे समय तक कई तरह के ट्रीटमेंट्स लेते हैं, कई तरह की क्रीम्स लगाते हैं, कुछ लोग कई तरह के जो इंजेक्शन है वो भी लगवाते हैं, लेकिन देखते हैं कि एक जगह इसको ठीक हुआ फिर दूसरा निकल गया या ठीक होता भी नहीं, आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। दोस्तों यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको जो है एलोपेसिया एराटा में देखने को मिलते हैं। और अगर आप मेरे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते हैं कि मेरे पहले भी बहुत सी सक्सेस स्टोरीज शेयर की है। उन सक्सेस स्टोरीज में मैंने आपको वो केस बताए हैं जो हमारे क्लिनिक पे आए पेशेंट जिन्होंने मेडिसिन ली और वो ठीक हुए। ये सक्सेस स्टोरीज इसलिए कि आप देख सकें कि उससे कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ एलोपेसिया एराटा का होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आप अपने नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर साहब जो भी हैं उनके पास जाए, प्रॉपर केस डिस्कस करें और उनके गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। दोस्तों यहां मैं कुछ पिक्स शेयर कर रहा हूं, इन पिक्स में आप देखेंगे कि ये जो हमारे पेशेंट हैं क्लिनिक के, इनके भी आप देखेंगे कि इनके जो है जगह जगह से मतलब स्पॉट्स के अंदर एलोपेसिया एराटा के स्पॉट्स बने हुए हैं इनके फेस पे, दाढ़ी के अंदर। मैं आपके साथ यहाँ पिक शेयर कर रहा हूं, उसके अंदर आप देखेंगे कि चारों तरफ दाढ़ी है लेकिन बीच के अंदर जो है बिल्कुल उनको जो है हेयर लॉस हुआ हुआ है, पेचेस के अंदर ये हेयर लॉस हुआ हुआ है। और दोस्तों नेक्स्ट पिक में आप देखेंगे कि अभी इनका ट्रीटमेंट जो हमने दिया उसके बाद के अंदर किस तरह से जो स्पॉट्स थे वो खत्म हो गए और अभी उनको जो वहां पे हेयर ग्रोथ वापस आ गई है। अभी इनका कुछ समय के लिए और हम ट्रीटमेंट चला रहे हैं, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट को बंद कर देंगे। ये पिक्स मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको कॉन्फिडेंस मिल सके कि होम्योपैथी के अंदर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। दोस्तों मेडिसिन की अक्सर लास्ट में क्वेश्चन आते हैं कि सर कौन से मेडिसिन दी, तो जैसा मैं कहता हूं मेडिसिन अक्सर पेशेंट टू पेशेंट वेरी हो सकती है तो आपके डॉक्टर आपके लिए बेस्ट डिसाइड कर पाएंगे, बट फिर भी कि इस केस के अंदर हमने कौन से मेडिसिन यूज की वो मैं आपके लिए शेयर करूं। तो हमने ट्यूबरक्लिनम से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, ट्यूबरक्लिनम 200 की हमने मंथली एक डोज दी। मान लीजिए इस महीने हमने एक तारीख को एक डोज दी तो अगले महीने फिर जो है एक तारीख को हमने एक डोज दी, इस तरह से ट्यूबरक्लिनम को हमने दिया। और दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन जो हमने यूज की वो यूज की सेलेनियम। दोस्तों सेलेनियम को 200 पोटेंसी के अंदर यूज किया गया और सेलेनियम 200 को सुबह शाम दिया गया। पोटेंसीज को आप जानते हैं कि डायरेक्टली आप टंग जिंक पे भी ले सकते हैं या सुगर ग्लोब्यूल्स में भी दिया जा सकता है, जैसे आपको डॉक्टर डिसाइड करते हैं। और दोस्तों एक मेडिसिन जो है हमने यहाँ और यूज की वो मेडिसिन है फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड को हमने 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज किया। तो इस केस के अंदर हमने यूज की ट्यूबरक्लिनम 200 मंथली एक डोज, सेलेनियम 200 सुबह शाम और फ्लोरिक एसिड 30 सुबह शाम। ये मेडिसिन थी जो हमने इस केस में यूज की और आप देख पा रहे हैं कि कितने अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले। दोस्तों एट लास्ट एक बार यही कहूंगा, अगर आपको एलोपेसिया एराटा है बिल्कुल भी नहीं घबराएं, बिल्कुल भी पैनिक न होए, बस कोशिश करें अपने नजदीक में होम्योपैथिक डॉक्टर साहब है उनसे जाके कॉन्टेक्ट करें, उनके गाइडेंस में प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। एक चीज मैं और आपको कहना चाहूंगा कि एलोपेसिया एराटा में थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो ऑटो इम्यून डिजीज को थोड़ा सा ठीक होने में टाइम लगता है। कई बार कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी बॉडी इतना अच्छा रिस्पॉन्ड करती है कि एक दो महीना या तीन महीने में ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए दोस्तों ये थोड़ा एडवांस स्टेज होता है तो 5-6 महीने भी दवाई लेनी पड़ सकती है। और मैं आपको बताऊं कई बार कुछ ऐसे केसेस भी आए क्लिनिक पे जिनकी पूरी बॉडी जो है क्लीन हुई हुई थी या बहुत ज्यादा जो है लेट आए ट्रीटमेंट लेने के लिए, जिन्होंने कई तरह के इंजेक्शन स्टेरॉइड्स या इस तरह के कई तरह की मेडिसिन लेके आए, तो ऐसे केसेस के अंदर और भी लंबे समय तक ट्रीटमेंट दिया गया लेकिन दोस्तों बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बस पेशेंस रखिए, कंटिन्यूटी रखिए, डेफिनेटली आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के थ्रू जो मैंने आपको जानकारी दी है और जो कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की है आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।